छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर, एसपी त्रिपाठी, अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज चारों की 14 दिन की न्यायिक रिमांड खत्म हुई थी, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर इन्हें भेज दिया है। बता दें कि ईडी में अनवर ढेबर को 2,000 करोड़ रुपये के शराब घोटाले का दोषी बताया था। पूछताछ के बाद ईडी ने रायपुर निवासी कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया है। ईडी ने मई महीने में अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया था और कहा था कि साल 2019 से 2022 तक 2,000 करोड़ रुपए के अवैध धन के शराब के जरिए कमाया है, जिसे दुबई में अपने साथी विकास अग्रवाल के जरिए खपाया गया। ईडी की ओर से कहा गया था कि अनवर ने अपने साथ जुड़े लोगों को परसेंटेज के मुताबिक पैसे बांटे। इसके बाद इस मामले में आबकारी विभाग के अधिकारी एपी त्रिपाठी, कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन, नितेश पुरोहित और एपी त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया था। शराब घोटाले मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है।